मैं हद छोड़ के मैंने कल्ला नहीं करना, मैं थोड़े तो इतमाद से कसीदा शुरू की है। खालिक फरमा रहे क्या बनाना चाह रहे हैं, खालिक रशाद फरमा रहे हैं परचम हक का मैदान बनाना है मुझे, परचम हक का अलमदार बनाना है मुझे। पहला मिसरा इस कसीदे से पढ़ के मैं अंदाजा करना है एक कसीदा मैंने कितना पढ़ना चाहिए है। परचम हक का अलमदार बनाना है मुझे, मेरे मालिक इतने जो शाकार नूर बनाए नहीं असाड़ी जरूरत तक कदे महसूस नहीं हुई। मेरे मालिक एक ऐसा नूर तक तकलीफ फरमा रहे हैं, इस नूर को बनाने तो पहले असाड़ी जरूरत क्यों महसूस हुई है। खालिक शाह मारे पहले जितने अलवार बनाए उन्होंने दी मेरी गल है, इस नूर को बनाने वास्ते कुछ शेवा की जरूरत है, कुछ चीज़ों की जरूरत है, वो तो मैं लिया के देनी है। इस तरह थोड़े दर्जात बुलंदी आसी मेरे मालिक शेवा सुननी है सरकारी गाजी बाद बादशाह की तकनीकी हुई। मेरे मालिक इस नूर को बनाने वास्ते केड़िया किड़िया शेवा की जरूरत है। खालिक शाह मारे हुक्म वफाओं को इकट्ठा कर लो। एक तो फिर कसीदे का मौजूद दस रहे हैं, तकलीके सरकारी गाजी पास पढ़ रहे हैं। मेरे मालिक इस नूर को बनाने वास्ते केड़ी केड़ी शाह जरूरत है। खालिक शाह मारे हुक्म शेर छोड़ के हौसला बढ़ गया। मुश्किल शेर लेकिन कमाल शेर का पहला मिसरा मैं पढ़ लगा। सारी रात खलो के दाद दो तुहाडी दाद घट होसी मिसरे का वजन ज्यादा होसी। अपने दे माण नहीं सिख ते माण है। मैं पहला मिसरा पढ़ लगा मेरे मालिक इतने जो शाकार नूर बनाए नहीं उन्हें अनवार दे तकलीक करने के बाद एक जड़ा नूर बना रहे हैं। मेरे मालिक ये होशी क्यों गया इतने बेमिसाल नूर बना के ये जरा नूर बना रहे हैं, ये होशी क्यों गया। खालिक शाह मारे इसकी तजसीम में रखूंगा जलालत अपनी। नतीजे मेरे मालिक ए नूर हो सकी गया। खालिक शाह मारे इसकी तजसीम में रखूंगा जलालत अपनी, इसकी तजसीम में रखूंगा जलालत अपनी, इसके पैकर में समाऊंगा मैं अजमत अपनी, ईमान नजर आएगा कुल्ले ईमान।
बचपन में भी ये इमरान नजर आएगा। शेर इस तो चंगा बड़ा लगा जड़ा अज तक नहीं बोल सकया। मेरे मालिक इतने जो शाहकार नूर बनाए नहीं, मेरे मालिक इतने शाहकार अनवार तकनी करने के बाद इस नूर नु बनावा की जरूरत क्या महसूस हुई है? वजह क्या है? खालिक शाह हमारे चाहता हूं के वफा अपने मालिक ये जरा नूर बना रहे हैं, वजह क्या है? इतने शाहकार अनवार बनाने के बाद इस नूर नु बनाने की वजह क्या है? खालिक शाह हमारे साली